गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा जो टाइम एंड वर्क का है सेकंड लेक्चर। तो टाइम एंड वर्क के सेकंड लेक्चर में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था उसे हम जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है ऑन दिस वन, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए और बी जो है मिलके 72 डेज में किसी काम को करते हैं, ए और बी मिलकर। फिर है बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज, ठीक है, एंड ए एंड सी कैन डू इट इन 90 डेज। तो सिंपल सी बात है, तीन चीजें हमें दी गई हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया है? ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, और बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, और सी प्लस ए मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए करेगा 72 डेज में, बी करेगा कितने दिन में, 120 डेज में, और सी करेगा 90 डेज में। तो सबसे पहले तो इन तीनों का जो है वो हमें एलसीएम जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होता है वो होता है 360, ठीक है। अब तीनों का जो एलसीएम है वो आ गया 360, ठीक है जी। अब ए जो है ए प्लस बी मिलके 72 डेज में कर रहे हैं, तो वन डे में वो कितना कर रहे हैं, 5 पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे के ऊपर ये अगर 120 डेज ले रहे हैं तो एक दिन में 3 पार्ट्स कर रहे हैं, ये अगर 90 डेज में काम को खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में ये कितने पार्ट्स कर रहे हैं, 4 पार्ट्स कर रहे हैं। समझ आ गया यहां तक? अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज थ्री ऑफ देम टुगेदर कैन डू द वर्क इन, ठीक है, हाउ मेनी डेज। तो हम क्या करेंगे, हमें ए प्लस बी प्लस सी के क्या चाहिए होंगे, कितने यूनिट ये काम करेंगे। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी की यूनिट है 5, बी प्लस सी के हैं 3, और सी प्लस ए के हैं 4, तो इनको ऐड कर देंगे। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, कितना आ गया ये, 5 × 3 = 8 = 12। अगर देखें ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, तो 2 में कॉमन ले लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया ये 12 आ गया। 12 अगर 2 से कट करूं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो a प्लस बी प्लस सी कितने पार्ट्स कर रहे हैं, ये 6 पार्ट्स कर रहे हैं। तो अब सिंपल सी बात है, अब 6 पार्ट्स कर रहे हैं तो काम टोटल करने के लिए हमें जो है वो टोटल काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, 360 यूनिट्स टोटल। और एक एक दिन में ये कितने कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी 6, तो कितने डेज लगेंगे, यहां पे निकल जाएगा 360 / 6, तो कितने आ गए, 60 डेज। क्लियर है? तो काफी अच्छे मेथड से हमें सिर्फ तीन चीजें पता होनी चाहिए, इन तीनों में से कोई दो पता होनी चाहिए, यहां पे टोटल यूनिट्स, ठीक है, टोटल यूनिट, यहां पे पर डे यूनिट, पर डे यूनिट किसी भी चीज की, और यहां पे डेज। इन तीनों में से का अगर कोई दो चीजें हमें पता है तो क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है ना। सिर्फ ये चीजें चाहिए होती हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे, जब भी आप एचपी एग्जाम्स छोटे छोटे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जो मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दी थी वैसे वैसे क्वेश्चन ही आराम से आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर सेंट्रल लेवल के क्वेश्चंस की बात करें, या थोड़ा हम बात कर ले एचएस सी सेट, तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लियर। तो फिर हम चलते हैं, क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बस हमने समझे नहीं होते, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को आराम से समझें आसानी से हो जाएंगे। ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया आपका, ये तो आप खुद ही कर लेंगे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन कितने डेज, 6 डेज, एंड बी इन 9 डेज, ठीक है। बी कर रहा है 9 डेज में, ए कर रहा है 6 डेज में, दोनों का एलसीएम कितना होगा 9 और 6 का,
18 भी हो गया, 36, चलो जो मर्जी ले लो, 36 ही ले लेते हैं, आप 18 से कर लो सॉल्व, ठीक है। अब ये एक दिन में पार्ट्स कर रहा है 6, ये कर रहा है 4, दोनों मिलके कितने पार्ट्स कर रहे हैं 10, कितने करने हैं 36, तो क्या आ जाएगा 36/110, दैट इज योर 3.6। अगर डेज में बात करें वैसे कट कटा के, तो 36/10 को हम कट कर दें, 5 2s are 10 एंड 18 2s are 36, 18/5 है, 3 5s are 15, कितने बच गए 3/5, 3:3/5 अगर पॉइंट्स में कैलकुलेट करना तो 3.6 डेज। तो जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें आप कर सकते हैं। हाँ जी क्लियर है, यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया या आपने 18 से कर लिया होगा, आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी, बस इनका मल्टीपल होना चाहिए ऊपर, क्वेश्चन सेम होता है। अब नेक्स्ट है आपके पास ये दिस वन क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होता है फिर मैं करवाता हूं। क्वेश्चन इतने समय तक तो हो जाना चाहिए। देखिए क्या करना है, ए प्लस बी का जो डेज है, ए एंड बी के डेज, वो कितने आ गए, ए प्लस बी के जो डेज आए हैं वो है 10 डेज, एंड बी एंड सी के दैट इज योर 15, सी एंड ए के कितने हैं 20। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60 आ गया। ये कर रहे हैं 6 पार्ट्स, ये 4 पार्ट्स एक दिन में, ये कर रहे हैं 3 पार्ट्स। अब हमें किसके पार्ट्स चाहिए, सी के डेज पूछे ना, तो हमें किसके चाहिए, सी के पार्ट्स चाहिए यहां पे, ठीक है। यहां टोटल तो हमें पता ही है, सी के पार्ट्स पता लग गए, डेज पता लग जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, हमें पता है इन तीनों को ऐड करके क्या आ जाता है 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब ये पार्ट्स ऐड करके 6 + 4 + 3 दैट इज योर 13, यही आ जाएगा ना। अब a प्लस बी प्लस सी के पार्ट्स कितने आ जाएंगे 13/2, यहां तक क्लियर है। अब इसमें से अगर मैं b प्लस सी के पार्ट्स माइनस कर दूं, नहीं सॉरी, a प्लस बी के पार्ट्स माइनस कर दूं, किसके बच जाएंगे c के, तो a प्लस बी के तो है ही है, a प्लस बी इसमें से माइनस कर दूंगा, कितने हैं 6 पार्ट्स, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं 13/2 क्या होता है 6.5, तो a प्लस बी के हैं 6, अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो c के पार्ट्स कितने आ जाएंगे 0.5, कितने आ गए 0.5 आ गए, ठीक है। तो c के पार्ट्स कितने हैं 0.5, तो 60/0.5 जो है वो डेज आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर ले, 0.5 है तो 60/5 × 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो कितने आ गए 120 डेज जो है वो यहां पे आंसर आ चुका है। ये 10 कहां से आया बच्चे, 0.5 था ना, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे 5/10 लिख देंगे, तो 10 नीचे लिखा तो 10 ऊपर चला गया पॉइंट हटाने के लिए, क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, आराम से बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने फोकस रखना है समझने की तरफ,
स्पीड आपकी बाद में जो है ऑटोमेटिकली बन जाएगी, पर प्रैक्टिस करना आपका फर्ज है, ठीक है। बाद में आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे से। तो नेक्स्ट है हमारे पास ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। ए जो है वो कितने आवर्स में कर रहा है, 4 आवर्स में। और बी एंड सी कितने में कर रहे हैं, बी प्लस सी जो है वो 3 आवर्स में। एंड ए एंड सी कैन डू इट इन, ए प्लस सी जो है वो 2 आवर्स में कर रहे हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये 3 पार्ट्स कर रहे हैं अकेला ही, ये 4 कर रहे हैं और ये 6 पार्ट्स कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बी, बी निकालने के लिए सबसे पहले हमें सी निकालना पड़ेगा। तो ए कर रहा है 3 पार्ट्स, तो देखो ए प्लस सी कितने पार्ट्स कर रहा है, 6। ए अकेला कितने कर रहा है, 3। तो सी के पार्ट्स कितने आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली 3 आ गए ना सी के पार्ट्स। और सी के पार्ट्स आके तो बी प्लस सी मिलके 4 बना रहे हैं, और सी इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, बी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बी 1 आ गया तो आराम से डेज निकाल लो, 12 है, ये एक दिन में एक पार्ट करता है तो कितने दिन में काम को खत्म करेगा, 12 दिन में। तो बी की जो वैल्यू है, दिन ही है यहां पे, आवर्स हैं, तो 12 आवर्स, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आसान से क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बी प्रैक्टिस्ड इस तरह के क्वेश्चन से, ठीक है। कल हम अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आपने कर लेने हैं। ये आते हैं, ए कैन डू ए सर्टन वर्क इन द सेम टाइम इन विच वी एंड सी कैन टूगेदर डू इट, इफ ए एंड बी टूगेदर कुड डू इट इन 10 डेज, ठीक है, एंड सी अलोन इन 50 डेज। पहले तो जो दिए हुए हैं वो निकाल लो, ए एंड बी जो है कितने दिन में कर रहे हैं काम, कितने दिन में, 10 डेज में, एंड सी अलोन इन 50 डेज। एलसीएम निकाल लेंगे, 50 इज एलसीएम, ये कितने पार्ट्स कर रहा है दिन में, 5, ये कितने कर रहा है, 1। अब यहां पे बताया है कि जो पार्ट्स हैं किस किस के सेम हैं, ए के, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी। ए जो है वो किसके बराबर है, बी प्लस सी के जो है वो पार्ट्स के बराबर है, ठीक है। अब ए के पार्ट्स नहीं लग रहे पता ना, इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी कैन डू, ठीक है। अच्छा, सी अलोन इन 50 डेज, देन बी अलोन इन हाउ मच डेज, ओके ओके। ए के जो आएंगे वो किसके बराबर है, बी प्लस सी। अब यहां पे देखें, ए की जगह बी प्लस सी पुट कर दें, बी प्लस सी प्लस बी, इसके कितने पार्ट्स हो गए, 5 हो गए ना, 5, ठीक है। तो मतलब कि यहां पे मतलब है 2b के कितने पार्ट्स हो गए, 2b प्लस c के 5 पार्ट्स, और c के कितने अकेले के, 1 पार्ट। हमें चाहिए किसके पार्ट्स, किसके 5 क्यों लिए, ये बच्चे ये इसके कितने हैं, ये देखो आप क्या कर रहे हो, आप 5 ही नहीं है, ठीक है। और a की जगह हमने b प्लस c के पार्ट सेम है तो बी प्लस सी पुट कर दिया, यहां पे बी रहा, यहां से आ जाएगा तो सी के यहां आगे माइनस कर दो, 2b = 4, और बी के पार्ट्स कितने आ गए, 2। तो बी के पार्ट्स अगर 2 आ गए तो कितने दिन में काम को खत्म कर देगा बी, हाँ जी कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नॉर्मली ये पहले तो समझना पड़ेगा इसमें क्या हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं आज हमारे, तो थैंक यू ऑल। तो इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ।